मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में युवक युवती एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे का आपस में संबंध बंधे, इसी उद्देश्य को लेकर खरगोन शहर के बस स्टैंड स्थित श्री राम धर्मशाला में वृद्ध दशा श्री माली समाज का पहली बार युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर खरगोन शहर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अन्य प्रदेशों से भी समाज जनों ने शिरकत की। आयोजित सम्मेलन में बताया गया कि सम्मेलन आयोजित करने में एक दूसरे को पहचानने और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हमारे समाज में बहुत निष्क्रियता आ गई थी और नई युवा पीढ़ी एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। इस तरह के कार्यक्रम करने से युवा पीढ़ी भी एक होगी। समाज की उपलब्धियों के लिए सबको एकजुट होना बहुत आवश्यक है। समाज के नीरज अमझरे ने बताया कि 91 युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए आए हैं। युवक युवतियों को समाज में विवाह बंधन के लिए आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है ताकि अपना परिचय दे और विवाह संबंध में बंधे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये वृहद दशा श्री माली समाज का युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन है। इसमें आज हमारे बीच में लगभग 91 युवक युवतियां परिचय देने के लिए आए हुए हैं। किसी भी समाज में युवक युवतियों को विवाह परिणय संबंधों के लिए आवश्यकता होती है। ये हमने एक प्लेटफॉर्म बच्चों को उपलब्ध कराया है ताकि वे अपनी पसंद के युवक युवती को पसंद कर विवाह संबंध में बन सके। हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, निमाड़, यूपी, केरल, इन जगह जगह से जो हमारा समाज फैला हुआ है, वहाँ के विविध अतिथि हमारे बीच में आए हैं और लगभग हमारे पास 29 जिलों के यहाँ पर अतिथि पधारे हुए। क्या नाम है आपको? नीरज अमझरे, मीडिया प्रभारी दशा श्रीमाली समाज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।